पुंडरी नगर पालिका में पिछले कई महीनों से चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर चल रही उठापटक शनिवार को वार्ड नंबर 3 की पार्षद सुनीता रानी के सर्वसम्मति से चेयरपर्सन बनते ही शांत हो गई। इसके साथ ही वाइस चेयरमैन वार्ड नंबर 8 से शैलजा गोलन को बनाया गया। आपको बता दें कि 6 अगस्त को चुनाव न होने के बाद दोबारा 20 अगस्त चुनाव के लिए तय की गई थी। प्रशासन द्वारा CTM कैथल गुलजार अहमद को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। आज सांसद नायब सैनी, हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन व हल्का विधायक रणधीर गोलन, जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर के साथ 9 पार्षद नगरपालिका कार्यालय में पहुंचे। लगभग तय सीमा पर सभी 13 पार्षदों की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी गुलजार अहमद ने चुनाव प्रक्रिया शुरू की। वार्ड नंबर 9 के पार्षद बलजीत सिंह ने वार्ड नंबर 3 की पार्षद सुनीता रानी के नाम का चेयरपर्सन के लिए अनुमोदन किया, जिस पर सभी पार्षदों ने सहमति जताई। उसके बाद वार्ड नंबर 2 के पार्षद जयपाल सिंह सैनी ने वाइस चेयरमैन के लिए वार्ड नंबर 8 की पार्षद शैलजा गोलन के नाम का अनुमोदन किया, इस पर भी सभी पार्षदों ने सहमति जता दी। तस्वीरें पुंडरी के नगरपालिका कार्यालय की दिखाई जा रही हैं। तो आइए बातचीत करते हैं मौके पर मौजूद नेताओं से व चुनाव अधिकारी से। तो विकास को लेकर आप क्या देखते हो, नगर पालिका के अंदर कितना विकास करोगे और क्या रणनीति रहेगी आपकी? ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे जितना हमसे हो पाए। तो क्या रणनीति, क्या कार्य है जो सबसे पहले करवाओगे आप? एक का कार्य है जी जो हम सबसे पहले करवाना। देखिए, जब कोई चुनाव कराना होता है तो सरकार सोचती है, चुनाव तो जिले के भी कई कारण होते हैं। सरकार ने अब तय चुनाव कराना चाह दिया, कोई भी चाहिए सब एक थे। जिले में कोई शहर में कोई काम में 6 महीने कोई दिक्कत नहीं आई, तो कोई आई हो सरकार में काम करे। एडमिनिस्ट्रेटर गुलजार एम जी बैठे, एक अच्छा कार्य है, सफाई की व्यवस्था बहुत लाइक था, उन्होंने करने का काम करे। कोई दिक्कत हो तो आप भी बताए, आपका भी ब्रिज बना, आपको मेरे शहरवासी। देखिए, आज दिनांक 20/8/2022 को समय 12:15 स्थान नगर पालिका पुंडरी में नगर पालिका पुंडरी के प्रधान और उप प्रधान पद के लिए चुनाव निश्चित हुआ था, जिसमें माननीय सांसद कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय विधायक पुंडरी श्री रणधीर सिंह गोलन जी और सभी माननीय 13 वार्ड के जो पार्षद हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित थे। और ठीक निश्चित समय पर यहाँ पर इलेक्शन शुरू हो गया था और प्रधान पद के लिए एक नाम सामने आया था, जिसके लिए सभी ने सर्वसम्मति से अपना अनुमोदन दिया, और वो नाम था श्रीमती सुनीता रानी जी का वार्ड नंबर 3 से, जिनको सर्वसम्मति से प्रधान पद के लिए चुन लिया गया। उसके बाद कार्रवाई लिखने के बाद हमने उप प्रधान के लिए जो प्रक्रिया सामने आई, उसके बाद उसके लिए भी एक नाम सामने आया और कोई नाम उसके लिए नहीं आया। उसके लिए श्रीमती शैलजा रानी का सभी ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया और उनको उप प्रधान पद के लिए चुन लिया गया। उसके बाद सभा की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। विपक्ष में वोट कहीं नहीं पड़ा, क्योंकि कैंडिडेट एक ही था, सभी ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। हाँ जी, प्रधान के लिए, प्रधान पद के लिए श्री बलजीत पार्षद हैं, उन्होंने अनुमोदन किया था, और श्री जयपाल जो पार्षद हैं उन्होंने उसको सेकेंडर किया था, और उप प्रधान के लिए श्री जयपाल ने उसको अनुमोदन किया था और श्री बलजीत ने उसको सेकेंडर किया था।